बचपन में सबको तरह तरह की चीजें खाने का शौक होता है। गली मोहल्ले में जब कोई रेड़ी वाला आता है तो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। बिहारी में आज भी लच्छे वाला आए तो उसे देखकर बच्चों का रश लग जाता है। कॉटन कैंडी, जिसे पंजाबी जबान में लच्छा कहते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। लच्छा सिर्फ थोड़ी सी चीनी से बनता है जो रुई की तरह नरम मुलायम और मुंह में रखते ही घुल सा जाता है। लच्छा बेचने वाले का कहना है तो इस कारोबार के जरिए अपने बच्चों का पेट पालता है। ये इसको लच्छा बोलते थे पहले, ये अब ये कॉटन कैंडी है तो ये चीनी से बनता है, तो ये सोने भी सस्ती आइटम है, बच्चे खुश होते हैं तो इसमें हमारी भी रोजी लगी हुई है, तो अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये ना छोटा सा कारोबार में ना रोजगार अच्छा है इसका। ये बच्चों का कहना है कि वो कॉटन कैंडी को बड़े शौक से खाते हैं, बहुत ही कम पैसों में बहुत बड़ी कॉटन कैंडी मिल जाती है। मैं कॉटन कैंडी लेने आया हूँ, कॉटन कैंडी बड़ी मजे की होती है और ये अंकल बना के देते हैं। वालिदैन का कहना है कि केमिकल से पाक ऐसी चीजें खाने से बच्चों की सेहत भी खराब नहीं होती और वो फजूल खर्ची से भी बच जाते हैं।